स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूँ अफशा। महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के राजवाड़ी गांव के पास गर्म पानी के झरने मौजूद हैं। यहाँ दूर दूर से प्रवासी इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ के पानी से नहाने से जिस्म की कई बीमारियाँ कम हो जाती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। हमारे बी न्यूज नेशन के संवाददाता शमशुद्दीन सैयद ने इस अनोखी जगह का जायजा लिया। आइए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के राजवाड़ी गांव के पास रत्नागिरी टू बॉम्बे हाईवे के ऊपर 50 किलोमीटर पे एक गर्म पानी का झरना है। वो पानी इतना गर्म है कि अगर एक अंडा भी डाल देंगे तो पाँच से दस मिनट के अंदर उबल जाएगा। उससे कहा जाता है कि इस गर्म पानी ने उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। आइए इस गर्म पानी को देखते हैं। ये कम से कम ये ऐसा 8 फीट है, ऐसा 12 फीट है। हमेशा इस ज़मीन से उबला हुआ पानी निकलते रहता है बरस के 12 महीने। कहा जाता है कि कम से कम 200-300 साल से पानी निकलता रहता है। ये जहाँ पॉइंट है जहाँ से पानी निकलता है और यहाँ से बाहर निकलता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के स्थलीय निवासी उनसे बात करते हैं। क्या आप इस गर्म पानी के बारे में कुछ डिटेल बता सकते हैं? ये गर्म पानी इस गांव का नाम पहले राजवाड़ी आपने बता दिया। ये गर्म पानी लगभग 200-300 साल से यहाँ पर है, उतनी मिलकर में बह रहा है। ये झरने से लगभग सदियों से यहाँ पर ये पानी बगैर कम है बह रहा है। यहाँ से एक खासियत है कि इस पानी में गंधक के जैसा दिखाई वो आती है, इसको बदबू आती है गंधक की। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आकर इसका मज़ा ले रहे हैं। अलग अलग कंट्री से साइंटिस्ट आके यहाँ पर रिसर्च कर बहुत 3-3 सालों से रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च में उनको अभी तक कुछ हाथ नहीं लगाया उनके, लेकिन साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि यहाँ पर गंधक का पानी, गंधक की ऐसी इसको बू आती है, उसमें अंदर एसिड है कुछ बता नहीं सकते। लेकिन कुछ सालों बाद हो सकता है कि ऐसा कयास किया जा रहा है कि यहाँ पर नीचे लावा हो सकता है। अब तक तो जापान, जर्मनी, फ्रांस ऐसे 2-3 कंट्रियों ने यहाँ पर रिसर्च किए हैं साइंटिस्ट ने। लगभग 5-6 की टीम आती है और 6-6, 7-7 महीना यहाँ पर रह कर उस पर रिसर्च करके चले जाते हैं। Thank you.
अच्छा है, गर्म पानी है, बहुत ही अच्छा लगे उसको। कहाँ से आए आप? कोल्हापुर से। कोल्हापुर से कहाँ जा रहे थे? गणपतपुर। अच्छा, तो आपको इस पानी को देखने के बाद क्या लगा? ज्वालामुखी से खाली नीचे से पानी आया, जरा अजीब से लगा। एक ही जगह है ना पूरा इंडिया में, इसलिए आया। अच्छा, गर्म पानी का हिसाब। आपका नाम? मेरा नाम जीशान खान। हाँ हाँ, मैं कड़वे का रहने वाला हूँ। हम लोग हमेशा इधर आते हैं आने के लिए वगैरह, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं देखने के लिए, और छोटे बच्चों के स्कूलों की ट्रिप वगैरह आती है। बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह भी यहाँ पर रिसर्च के लिए आते हैं, और बहुत सारे गाँव वाले यहाँ पर नहाने के लिए, और जिनके घुटनों में पैरों में वगैरह दर्द होता है वो भी यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ के पानी से नहाने से बहुत ज़्यादा बीमारी, जो पैर दुखते हैं वगैरह, वो दूर हो जाती है। मतलब दवा के तौर पर इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है? जी जी। क्या गांव के लोग या डॉक्टर लोग या आकर इसको मानते हैं कि इस पानी में ऐसा कुछ है? जी हाँ, सब लोग कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है कि जिससे हमारे बॉडी को जो है फायदा पहुँचता है नहाने से। अच्छा, थैंक यू। गर्म पानी, बुलबुले की तासीर, ये कुदरत की शान है, इसलिए जितने टूरिज्म आते हैं उसको देखने के लिए देखकर और इंजॉय करके चले जाते हैं। मैं शमशुद्दीन सैयद। और खबरों के लिए बी न्यूज नेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बी न्यूज नेशन के साथ।